चलिए अब रुक कर लेते हैं, गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से। गणेंद्र जी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के साथ है यहाँ पे, लेकिन आप भी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सवाल यह है कि आप भी इस मुकाबले में हैं या फिर इन चुनावों में सिर्फ आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी साबित होगी? देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी तीनों राज्यों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेके हम तीनों राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हमने करके दिखाया, दिल्ली का मॉडल देश का मॉडल बन चुका है। अभी आपने अपनी चर्चा में कहा कि जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल था और उसको भारतीय जनता पार्टी भी कॉपी कर रही है, उसे कांग्रेस भी कॉपी कर रही है। कांग्रेस ने हमारे मॉडल पे दो चुनाव जीते, हिमाचल भी जीता, कर्नाटक भी जीता। आज राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। अमित शाह भी जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि मैं भी बिजली फ्री दूंगा, मैं भी पानी फ्री दूंगा, मैं स्कूटी भी दूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से ये लोग घबराए हुए, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से डरते हैं। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, दिल्ली के लोगों ने इसको ट्राई करा, उसके बाद पंजाब के लोगों ने एडॉप्ट करा, गुजरात ने हमें 5 विधायक दिए, गोवा ने हमें 2 विधायक दिए। आज पूरा देश कह रहा है कि हमें अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, जहां पे गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात हो रही है, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज देने की बात हो रही है, हर महिला की सुरक्षा और सम्मान की बात हो रही है, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की बात हो रही है, हर नौजवान के हाथ में रोजगार देने की बात हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में ऐसा नहीं कि कैटेगरी ली है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से कहता है कि हर आदमी को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो कहती है कि जनता का पैसा जनता के लिए खर्च होना चाहिए, टैक्स पेयर के पैसे से जनता को सुविधाओं के माध्यम से लौटाया जाना चाहिए, ना कि टैक्स पेयर का पैसा जनता का पैसा अपने घरों में भरना चाहिए, ना कि उसे स्विस बैंक ले जाना चाहिए। आज एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की है। आज इस ऑनेस्ट पॉलिटिक्स के ब्रांड को पूरा देश अडॉप्ट करने को तैयार बैठा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग भी कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा फ्री हो सकती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सकती, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं सकती, राजस्थान में क्यों नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ फर्क है नीयत का। अगर ईमानदार सरकार होगी, ईमानदार नीयत होगी, तो निश्चित तौर पर हर काम संभव है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हमने पंजाब में करके दिखाया है, और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं। जी, सवाल तो यही है, सवाल तो ये, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार आई, लेकिन इन्हीं मुद्दों को, इसी मॉडल को लेकर आप हिमाचल गए थे, नतीजा सिफर, कर्नाटक गए थे, नतीजा सिफर, और भी कई राज्यों के ऐसे नाम मैं बता सकता हूं, उत्तराखंड, नतीजा सिफर। तो कुछ राज्यों को से हटकर आप, चाहे मध्य प्रदेश के भी की मौजूदा बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, उतनी प्रभावी नजर नहीं आ रही आम आदमी पार्टी, जिस गति से आप दावा कर रहे हैं कि हम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए रवि जी, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, और हर राज्य में जाके अपने संगठन का विस्तार करना, चुनाव लड़ना, ये हमारा राजनीतिक धर्म है। और जो आपने कहा, निश्चित तौर पर 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ने गए थे, तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था। यही कांग्रेस के लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी का है। हम पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली में 15 साल से जो कांग्रेस की सरकार थी उसे सत्ता से हटा दिया। पहली बार चुनाव लड़ने के बाद हमने सरकार बनाई, 49 दिनों की ऐसी सरकार चली कि उसके बाद 2015 में जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने घर घर पर्चे बांटे, उसके बाद दिल्ली में 70 में से 67 सीटें लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी। दिल्ली के लोगों ने उसके बाद 2020 में 70 में से 62 सीटें दी, क्योंकि हमने डिलीवर करा है। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, अरविंद केजरीवाल वायदा नहीं करते, गारंटी देते हैं, और केजरीवाल की गारंटी लोग जानते हैं कि केजरीवाल ने कहा है तो करके दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हमने करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लोग आम आदमी पार्टी को बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल में देश के लोग अगर इन राज्यों में आपको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस को नुकसान होगा, यानी आप बीजेपी को फायदा उठा ले दे देंगे वहां पे। देखिए रवि जी, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस से इंडिया अलायंस जो बना है वो लोकसभा चुनावों को लेकर बना है। अच्छा, और राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हर पॉलिटिकल ठीक है
ठीक है गणेंद्र जी, इसी 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 बात से मैं फराज किदवई साहब की तरफ रुख कर लेता हूं।